क्लास देखो वही पसंद वही है। चीज तो मैं वही चीज तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम अपनी क्लास में हमारा जो JSP इंजन है वो चेक करता है कि भाई आपकी जो क्लास है क्या वेंडर स्पेसिफिक क्लास को एक्सटेंड करती है। भाई देखो ये JSP इंजन किसके पास है, JSP इंजन किसने बनाया, वेंडर ने। भैया हर हर सर्वर के पास अपना इंजन होगा, अपाचे टॉमकैट वेब लॉजिक ग्लासफिश सबका अपना इंजन होगा। तो JSP इंजन मतलब ऐसे बोला जाता है, प्रोनंसिएट करा जाता है कि JSP इंजन चलाता है। तो JSP इंजन बनाया किसने है, अपाचे वालों ने, और ग्लासफिश वालों ने अपना बना रखा है, वेब लॉजिक ने अपना बना रखा है। तो उनको पता है ना कि मेरी वेंडर स्पेसिफिक क्लास क्या है, तो वो चेक करता है इंटरनली जो क्लास उसके अंदर आती है, जो JSP आती है उसके अंदर, वो चेक करता है कि क्या इस JSP में कोई एक्सटेंड एट्रीब्यूट लगा है, तो उस एक्सटेंड एट्रीब्यूट में कोई क्या कोई क्लास है, क्या वो क्लास का जो टाइप है क्या इज द इंस्टेंस ऑफ HTTP JSP बेस, इट इज द इंस्टेंस ऑफ HTTP JSP बेस, क्या उसका इंस्टेंस है, क्या उसको इनहेरिट कर रही है। तो अगर कर रही है तो बस एक काम कर देना, अब इस बार वेंडर स्पेसिफिक क्लास को एक्सटेंड मत कराना। हाँ सर, मैं यही पूछ रहा तो था सर। इसमें समझने वाली से पूछने, अंडरस्टूड वाली चीज, अंडरस्टूड वाली चीजें उसमें करके दिखा दिया आपको। अब आ जाइए पेज डायरेक्टिव के एक्सटेंड एट्रीब्यूट के अलावा और कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं। एक एट्रीब्यूट होता है हमारा बफर, बफर एट्रीब्यूट होता है, और बफर के आगे लिखा हुआ है 8 KB। ये जो होता है ये हमारा 8 KB जो बफर होता है ना, ये हमारे आउट डॉट प्रिंटलन के बफर की साइज होती है। आपको पता है आप एक JSP पेज में जितने बार स्क्रिप्टलेट टैग लगाते हो उतने बार आप समझ लो कि कहीं ना कहीं एक बफर को यूज करते हो। ये बफर जो है ये आपके आउट डॉट प्रिंटलन से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं आउट प्रिंटलन से रिलेटेड है, आउटपुट का बफर की बात ये कर रहा है। और आउट प्रिंटलन मतलब जिसकी बफर की साइज 8 KB बाई डिफॉल्ट मानी जाती है, और शायद मेरे ख्याल से इसकी मैक्सिमम साइज 16 हो सकती है, मतलब मैं बता रहा हूँ अभी मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है ना, इतने ज़्यादा इसके टच में हूँ नहीं मैं, तो ये इसकी बफर की साइज हो सकती है। आप लोग इसे चेक करके मुझे ज़रा कन्फर्म कर दीजिएगा कि आउट डॉट प्रिंटलन की बफर की साइज और कितनी हो सकती है, मतलब इतना बड़ा आप डेटा दे सकते हो अपने JSP के अंदर, आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर। अच्छा इसको जब बता रहा हूं तो मैं एक चीज और आपको कंफर्म करना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं कि जब आप किसी भी JSP पेज में कोई जावा कोड लिखते हो तो स्क्रिप्टलेट टैग लगाते हो ना, और कहा जाता है कि एक स्क्रिप्टलेट टैग की भी अपनी एक साइज होती है ना। तो JSP में स्क्रिप्टलेट टैग एक बार आपने लगा दिया, फिर दो लगा दिया, फिर तीन लगा दिया, और कई बार ऐसे सिचुएशन पड़ते हैं कि आप चार पांच लगा देते हो, चार पांच लगा देते हो भाई, कई सारा लगा देते हो। अगर आपको याद हो तो इस तरह से ऐसे करके, जैसे कहाँ गया, अगर आपने जो बीन वाला प्रोजेक्ट बनाया था उसमें कहीं ओपन करा फिर स्क्रिप्टलेट लगाया, फिर क्लोज किया फिर स्क्रिप्टलेट लगाया, है ना, आप लोगों ने देखा होगा ऐसा हमने किया था, याद आ रहा है, सर कंडीशन वाली। कंडीशन वाली, हाँ, कि अगर ऐसा हो हाँ तो फिर स्क्रिप्टलेट ओपन फिर स्क्रिप्टलेट क्लोज। तो पता है एक JSP पेज में लेस यूज ऑफ स्क्रिप्टलेट करना चाहिए, उससे आपकी JSP के बफर की साइज, JSP का पेज की साइज और बढ़ती है, कम से कम यूज करना चाहिए। तो फिर आपने कहा अगर हमें कोई अगर कोडिंग करनी हो, कोई जावा कोड करना हो, तो कहता JSP कहती है JSP मेरे अंदर जावा कोड तो एकदम, जब एकदम पानी सिर के ऊपर से चला जाए, जब आपको लगे कि यार अब तो इस JSP में हमें जावा कोडिंग करना ही पड़ेगा और इसके बिना काम चलने वाला नहीं है, तभी करो JSP में जावा कोडिंग। JSP जावा की कोडिंग के लिए नहीं बनाई गई है, मजे की बात ये सुनो, JSP बनाई गई है व्यू पर्पस के लिए, डिजाइनिंग के लिए बनाई गई है, बस उस डिजाइनिंग में कोई डायनेमिक लॉजिक लाना है तो लगा लो। तो फिर बिजनेस लॉजिक कहां लिखना चाहिए, जावा बीन में लिखना चाहिए, जो मैंने आपको बताया है, पहले ही बता दिया मैंने आपको, समझ में आ रहा है, जावा बीन बनाओ, बीन में लॉजिक लिखो, जावा में लॉजिक लिखो, ठीक है। तो ये बफर की साइज होती है, फिलहाल इसकी साइज देख लीजिएगा बाय डिफॉल्ट 8 KB होती है, आउट डॉट प्रिंटलन के बफर की साइज, ठीक है। एक JSP पेज में आज आपके लिए असाइनमेंट है, ये भी चेक करना इंटरनेट पे कि एक JSP पेज में कितने स्क्रिप्टलेट टैग हो सकते हैं, और इससे ज्यादा स्क्रिप्टलेट टैग होंगे तो कब वो क्रैश कर जाएगा, JSP पेज एकदम फट जाएगा, वो ऐसा भी हो जाता है ना। ये सब मतलब अब मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है कि मैं आपको एकदम वो नंबर बता दूं, मैं उसके टच में नहीं हूं। सर हाँ सर फटने मतलब सर फटनिंग मतलब मतलब क्रैश हो जाना, और क्या फटनिंग मतलब, सर आग वाग नहीं बोलेगी ना हाँ जी, सर, आग वाग बोल रहा है। ना ना ऐसा कुछ नहीं,
ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। ग्रेट अच्छा अगला चीज जो होता है बफर के बाद, बफर समझ में आ गया, एक्सटेंड इंपोर्ट। जो नहीं समझ में आ रहा आप दोबारा पूछ सकते हो मेरे से, फिर पढ़ना बफर वाले को, फिर से पढ़ना आप अपने हिसाब से पूछना। अब मैं आपको बताता हूं JSP का सेशन इज इक्वल टू ट्रू, ये बाय डिफॉल्ट होता है सर, सेशन। अगले हाँ जी अगले क्लास में पूछ लेंगे। हाँ सर, ये वीडियो देख के, हाँ बिल्कुल क्योंकि ये बिल्कुल। वीडियो का रुक के आ रहा है। अच्छा अभी भी रुक के आ रहा है। मैं सही चल रहा है सर, स्टेशन का पास आपने है। हाँ सर, सबके मेरे लिए शायद, सर मैं भी मेरे लिए शायद हो रहा है ये। हाँ हो हाँ हो सकता है। सकता है। अरे यार एक्चुअली नेटवर्क, आज मौसम ही खराब था ना, नेटवर्क इश्यू चल रहा है। तो सेशन एट्रीब्यूट हाँ है सर, कोई यहाँ नहीं, पे, कंटिन्यू कीजिए, सुनाइए। सेशन एट्रीब्यूट है। देखिए सेशन की वैल्यू ट्रू है, तो सेशन ट्रैकिंग, ये सेशन की वैल्यू ट्रू है तो इसका मतलब सेशन ट्रैकिंग जो है JSP में बाय डिफॉल्ट होती है, ठीक है। इसको आप लगाओ या ना लगाओ। अब JSP में एक सेशन ट्रैकिंग करके आपको दिखाऊं कैसे करते हैं। हाँ सर, कोई भी एक पेज बना लीजिए, कोई जैसे जैसे इसी प्रोजेक्ट को अब जब मैं दोबारा रन करूंगा, या यहाँ तो रन ऑलरेडी है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये देखिए ये लॉग इन पेज यहाँ पे आ गया, और ये रजिस्ट्रेशन पेज भी है। लॉग इन रजिस्ट्रेशन का तो कोड यहाँ चल ही रहा है ऑलरेडी। तो अगर मैं यहाँ से रजिस्ट्रेशन करता हूँ किसी यूजर के लिए, देखता हूँ हो रहा है। ओ साइट नॉट रिचेबल। अच्छा ये मुझे लग रहा है कि पुराना कोई चल रहा है प्रोजेक्ट, मैं दोबारा। अच्छा, सर्वर बंद है इसलिए साइट नॉट रिचेबल आ रहा है। तो जब साइट नॉट रिचेबल आए या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, है ना, तो समझ जाओ कि भैया क्या दिक्कत आ रही है। दिक्कत है आपके सर्वर नहीं चल रहा है। 404 पेज नॉट फाउंड, इसका मतलब वो पेज अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है जी। तो मैंने यूजर नेम दे दिया सूर्या, और surya@gmail.com, फोन नंबर 1 2 10 दे दिया, पासवर्ड 1 1 2 3 4, ठीक है। रजिस्टर करते हैं, रजिस्ट्रेशन, ओ रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो गया, तभी तो वेलकम आ गया। एक्चुअली कायदे से इसे वेलकम पे नहीं जाना चाहिए, इस पे जाना चाहिए, लॉगिन पेज पे आ जाना चाहिए। चलो मैंने किया नहीं है कोडिंग उस तरह से, तो मैं surya@gmail.com यहाँ पे लिखा था, surya@gmail.com, पासवर्ड दे दिया मैंने 1 2 3 4, और ये मैंने लॉगिन पे क्लिक करा, तो ये लॉगिन सर्वलेट पेज आ रहा है कहीं कहीं, और उसे मिल नहीं रही है। तो मैं एक काम करता हूँ, लॉगिन पे क्लिक करते ही मैं भेज देता हूँ पेज डायरेक्टिव JSP पे भेज देता हूँ। तो लॉगिन JSP, वेलकम वेलकम वेलकम, कहाँ गया, पेज डायरेक्टिव वेलकम होम, कहाँ गया यार। इसमें लॉगिन पेज का नाम क्या है वो देखना पड़ेगा मुझे, बैक करता हूँ। इंडेक्स इंडेक्स नाम से पेज है। थोड़ा देर होता नहीं है कि सर सर करने लगते हो आप लोग, पता नहीं क्या। क्या कहना चाह रहे हो। लॉगिन शांत रहा करो थोड़ा सा आप लोग, एकदम थोड़ा देखो, कंसंट्रेट करो। जब बोला, जब कहूँ बोलने के लिए तभी बोलो। लॉगिन सर्वलेट, तो लॉगिन सर्वलेट पे ये जा रहा था ना पहले, और लॉगिन सर्वलेट में चेक कर रहा था, तो मैं इसके फॉर्म का जो URL, ये क्या कहते हैं, यहाँ पे मैं इसका रिडायरेक्शन ही चेंज कर देता हूँ, लिख देता हूँ पेज डायरेक्टिव डॉट JSP। अब लो, अब आप जैसे ही लॉग इन करोगे, या एक काम करता हूँ, ये लॉग इन सर्वलेट ही रहने देता हूँ। हमारे पास लॉग इन सर्वलेट बना तो होगा कहीं, यहाँ लॉग इन सर्वलेट मेरे ख्याल से बना ही नहीं है क्या। लॉग इन सर्वलेट बना ही नहीं है, अगर होता तो यहाँ SRC में दिखता, दिख ही नहीं रहा है कहीं पे लॉग इन सर्वलेट। वेब हाँ वेब डॉट XML, वो दूसरे प्रोजेक्ट से मैंने कहीं से कॉपी किया हुआ था, ठीक है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ये हमारा, हम इसको भेज देते हैं, इसको हम भेज देते हैं पेज डायरेक्टिव डॉट JSP पे ही भेज देते हैं। अच्छा, और सर, यूजर एक से, रिक्वेस्ट करूंगा। हाँ हाँ बोलिए। हाँ सर, एक बार फिर आप स्क्रीन शेयर कर देंगे, मतलब रीशेयर कर हाँ देंगे। दोबारा मैं शेयर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है
ओके दोबारा दोबारा स्क्रीन शेयर कर दिया मैंने। ठीक है, तो देखिए मैंने इंडेक्स एचटीएमएल से जो है रिक्वेस्ट भेज दी पेज डायरेक्टिव जेएसपी पे, है ना। तो पेज डायरेक्टिव जेएसपी पे रिक्वेस्ट चली जाएगी। अब मुझे यहां से आने वाला जो रिक्वेस्ट है वो गेट करना पड़ेगा, मतलब वैल्यू गेट करनी पड़ेगी। दिख रहा है आपको तमाल? तमाल दिख रहा है? तो मैंने यहां से देखिए ईमेल गेट कर लिया और अब डेटाबेस से वैलिडेट नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये मैंने ईमेल गेट कर लिया, ईमेल आ गया, और फिर मैंने यहां से फोन क्या था पासवर्ड था, ये पासवर्ड मैंने गेट कर लिया। तो ईमेल आ गया, पासवर्ड आ गया, प्रिंट कराना है तो प्रिंट करा लो, और नहीं तो इस पर्टिकुलर ईमेल को मैं क्या करना चाहता हूं, एक सेशन में सेट करना चाहता हूं, ठीक है। आउट डॉट प्रिंटलन में ये सारा चीज मैं कमेंट कर देता हूं, मुझे ये सब नहीं चाहिए अभी, ये सब नहीं चाहिए, समझाने के लिए था। मैं बस यहां पे लिख देता हूं जी वेलकम, वेलकम, और उसके बाद यहां कॉलन लगा के प्लस कर दिया मैंने, यहां पे लिख दिया भाई ईमेल, ठीक है, ईमेल दे दिया मैंने। तो पहले ये देखते हैं कि इतना हमारा सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ईमेल दे दिया, कुछ भी ईमेल दे दोगे और पासवर्ड दे दोगे तो आप वेलकम उस ईमेल पे पहुंच जाओगे, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, यहां पे मेरे पास सेशन ऑलरेडी होता है और उसका मेथड चला दिया सेट एट्रीब्यूट, है ना, और यहां पे सेशन ऑलरेडी ट्रैकिंग चल रही है, यहां पे मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया ईमेल, और आपका ईमेल जो है सेशन में सेव करके रख लिया, बस, ठीक है। और अगर आप सेशन को प्रिंट करना भी चाहते हो तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में, सॉरी आउट डॉट प्रिंटलन में ओनली, आउट डॉट प्रिंटलन में प्रिंट करके देखना चाहते हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में देखो ताकि ये ब्राउजर पे ना दिखाए, कंसोल पे देखना है मुझे। तो मैंने सेशन को SESSIONPRI, ठीक है, सेशन में मैंने इसको सेट कर दिया, ईमेल चला गया। अब यहां पे बना देता हूं मैं एक हाइपरलिंक, और जब मैं अगले पेज पे जाऊंगा, अगले पेज पे जब मैं जाऊंगा, यहां पे मैंने लिख दिया AHREF, AHREF टैग लगा लिया हमने। अच्छा, अगर आपको यहां लगाना तो ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्टली, आप अगर HTML की कोडिंग करना है तो यहां नीचे भी कर सकते हो, समझ रहे हो ना, HTML की कोडिंग यहां कर सकते हो, लेकिन उसमें आउट डॉट प्रिंटल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। सर्वलेट, क्योंकि जेएसपी में डायरेक्टली एचटीएमएल लिखा जा सकता है, ये तो पता ही होगा आपको, आपको ये लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली यूज करिए व्हाट AHREF इज इक्वल्स टू, मैं चला गया नेक्स्ट डॉट जेएसपी पे और यहां पे लिख दिया भाई क्लिक, ठीक है, CLICK क्लिक, और ये मैंने क्लोज कर दिया आपका, ये लीजिए। तो अगर मैं ये डेटा सेशन में सेट ना करूं, मैं मान लो नहीं जानता हूं ये, और ये सेट नहीं करूं, मैं इसे कमेंट कर देता हूं, और मैं अगले पेज पे फिर से यही ईमेल और नेम गेट करूं, तो क्या ये वैल्यू प्रिंट होगी नेक्स्ट जेएसपी पे? नहीं होगी, आप खुद देख सकते हो, न्यू जेएसपी फाइल, नेक्स्ट जेएसपी, और नेक्स्ट जेएसपी फाइल में ये गेट पैरामीटर से ये डेटा गेट करिए आप, या स्क्रिप्टलेट टैग के थ्रू, नहीं आएगा डेटा। ये क्या आएगा डेटा, आप लोग बताओ क्या कह रहे हो, क्या रहा है आप लोग? नहीं आएगा डेटा। तो मैंने ये सब चेंज करके सेव कर दिया, पेज को रिफ्रेश कर दिया, इसे बैक करके फिर से रिफ्रेश करके मैंने ईमेल और पासवर्ड कुछ भी दे के मैं आगे गया, तो यहां आ गया, यहां पे लिंक बना है, नेक्स्ट पे क्लिक किया, यहां पे नल आ गया जी, कोई डेटा नहीं आ रही है। क्या करा जाए फिर? फिर इस डेटा को सेशन में सेट कर दो। डेटा डायनेमिक डेटा शेयरिंग इसी को तो बोलते हैं, जो सर्वलेट में भी हम करते आ रहे थे। तो हमने जी सेशन का यहां पे
वैल्यू प्रिंट कर लिया, सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट कर लिया, ईमेल यहां से भेज दिया। अब जो नेक्स्ट हमारी जेएसपी बनी हुई है इस पे मुझे जो डेटा गेट करना है, तो ये गेट पैरामीटर से गेट करना होगा या कैसे गेट करना होगा? मुझे यहाँ पे डेटा कैसे गेट करना होगा? सेशन में सेट किया है तो गेट कैसे करोगे? सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट का नाम क्या दे देंगे आप? ईमेल दे देंगे, और ईमेल से आप क्या निकालेंगे? स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ईमेल निकालेंगे, है ना? ये लेकिन ये STRI, लेकिन ये टाइप कास्ट करने के लिए कहेगा ना, ये ऑब्जेक्ट टाइप में डेटा रिटर्न करता है सेशन, तो इसको जिस टाइप में आप टाइप कास्ट करना चाहते हो टाइप कास्ट कर सकते हो। अब जरा हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर सेशन को प्रिंट भी कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए, क्योंकि सेशन की वैल्यू यहां पे भी ट्रू है, बाय डिफॉल्ट आपको दिख नहीं रही है। इसको रिफ्रेश कर लीजिए, बस यहां पे ईमेल पासवर्ड दीजिए और आगे जाइए, क्लिक करिए। अच्छा, आगे जाने पे जरा देखते हैं, हमारा छोटा कर देते हैं और हम सेशन की वैल्यू देख लेते हैं, सेशन का ऑब्जेक्ट चेक कर लेते हैं क्या है। देखो, स्टैंडर्ड सेशन फैकार्डे 65 ऐसे करके आ रहा है, लास्ट में 44 है, और जब दोबारा हम इस पर क्लिक करके जाएंगे तो ये देखो सेशन का ऑब्जेक्ट वही था या बदल गया था? बोलो भाई, कुछ करा आपने? कुछ करा इसमें सेशन ट्रैकिंग के लिए? कोई भी लॉजिक लिखा आपने? आपने लिखा कि ये सेशन मिले वो सेशन मिले? नहीं ना, तो बस क्लियर है या नहीं है बताइए। तो सेशन ट्रैकिंग तो चल रही है ना, अगर लॉग आउट करना है तो? लॉग आउट करना तो सेशन डॉट इनवैलिडेट, यहां पे सेशन के मेथड चल जाएंगे ना, यहां पे आप एक हाइपरलिंक बना दो लॉग आउट करके। मैं बताता हूं कैसे करना है, लॉग आउट करना है तो HTML कॉपी करो, यहां नीचे यहां पे लिखो AHREF इज इक्वल्स टू, और यहां पे आप दे दीजिए डबल कोड में लॉग आउट डॉट JSP, और यहां पे लिख दीजिए लॉग आउट, ठीक है? ठीक है, ये लिख दिया और लॉग आउट डॉट JSP बना लीजिए, बनाना तो पड़ेगा ही। वेब कंटेंट पे राइट क्लिक करिए, न्यू करिए, और यहां से बना लीजिए JSP फाइल लॉग आउट डॉट JSP, फिनिश कर लीजिए, और यहां पे म्यूट कर लो भाई, म्यूट कर लो। यहां से हमने स्क्रिप्टलेट टैग लगाया और बस यहां पे लिख दिया सेशन डॉट इनवैलिडेट, देखो आ गया इनवैलिडेट, ठीक है, और रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट, और इसको भेज दिया हमने index.jsp पे, ऐसे सेव कर दिया। आइए सारा प्रोसेस फिर से देख लीजिए, लॉगिन किया हमने, सॉरी ईमेल आईडी डाल दो वैलिड a@gmail.com, ये पासवर्ड कुछ भी डाल दीजिए, क्लिक हियर वेलकम पे आ गए, और यहाँ पे लॉग आउट का बटन है, क्लिक किया तो इंडेक्स हमारे पास पेज नहीं है इसलिए एरर आ गया, इंडेक्स पेज नहीं है क्या कहीं? इंडेक्स HTML पेज है, JSP पेज नहीं है, तो इंडेक्स HTML यहाँ पे दे दीजिए, ठीक है। फिर से बैक करते हैं, वैसे सेशन एक्सपायर हो चुका है, ये देखो 444 दिख रहा था ना, अब आपको ये नहीं दिखेगा, लॉग आउट करोगे तो यहाँ आ गए। अब देखो दोबारा अगर आप लॉग इन करोगे सेशन आपका ट्रैकिंग होगा, लेकिन वो नया सेशन के ऑब्जेक्ट बन गया होगा। अब यहाँ देखो, ये देखो 3, ये वो सेशन का ऑब्जेक्ट एक्सपायर हो गया, देख रहे हो आप, ये नया सेशन बन गया सर्वर में, लॉग आउट कर दिया था ना आपने, ये लो ऐसे ये होता है। बताओ क्लियर है सर? अगर
हाँ सर बोलो सर, अगर सर लॉगिन करने के बाद उसका यूआरएल कॉपी करके दूसरा ब्राउजर में खोलेंगे सर, तो वहीं से खुलेगा कि सर वो बैक हो जाएगा? तुम्हें बोला था ये काम करने के लिए, तुमने किया काम? तुम्हें ये मैं बोला था काम करने के लिए, तुमने ये काम किया? सेशन ट्रैकिंग कैसे होता पता नहीं था जीएसटी में। क्यों सेशन ट्रैकिंग पूरा तुम्हारा खत्म हो गया और तुम्हें पता भी नहीं है सेशन ट्रैकिंग कैसे होती है? सर्वलेट का मालूम है सर। तो सर्वलेट की सेशन ट्रैकिंग, सर्वलेट की सेशन ट्रैकिंग चल रही है यहाँ। सेशन ट्रैकिंग यहाँ पे जो जेएसपी में कुछ पढ़ रहे हो, कुछ भी ऐसा चीज अगर टैग को छोड़ दिया जाए तो जितने भी कंसेप्ट इंटरनली जो सर्वलेट में चलते हैं वो जेएसपी में चलेंगे। जो सर्वलेट में चलते हैं वो सब जेएसपी में ही चलेंगे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने आपको ये बात बोली थी उस टाइम पे भी कि आप वो यूआरएल कॉपी करोगे। अभी यही बात सुबह अमन ने भी करी है, वो यूआरएल कॉपी करोगे और जाके कहीं पेस्ट करोगे और आप ये चाहते हो कि वो वहां पे न ले जाए, कहीं और लेके जाए, तो आप वहां सेशन से चेक करो, कंडीशन लगाओ, कंडीशन लगा के चेक करो। कहाँ काम तो नहीं कर रहे हो ना आप? जो भी मैं काम देता हूँ एक भी काम मेरे से नहीं मिलता है ना। मुझे डायनेमिक टेबल क्रिएशन का टास्क मिला, ना मुझे ग्लास फिश में मैंने काम कहा वो करो, और पिछला मैंने अभी बहुत सारा काम दिया हुआ है आपको। चेंज पासवर्ड भी मैंने अभी आपको कहा तो वो नहीं किया, अपडेट पासवर्ड किया जो मैंने कल करेक्शन करवाया उसको तो लग के करना चाहिए ना। मैं आपको जो काम दे रहा हूँ उसे करो भाई। नहीं आ रही है तो मैं तो हूं ना, लेकिन जब आप वही चीज वही क्वेश्चन बार बार पूछोगे, आप यहाँ पे चेक करोगे क्या सेशन की वैल्यू, ये सेशन ऑलरेडी है, इस सेशन में ऑब्जेक्ट है, इसमें डेटा है या नहीं है, कंडीशन लगा लो ऐसे, क्या इज नॉट इक्वल टू नल, क्या नल नहीं है मतलब सेशन में डेटा है, ऐसा कंडीशन वहां लगाओगे, चेक करोगे। अगर सेशन में डेटा है तो उसको उसी पेज पे रिडायरेक्ट करवा दोगे, समझे? तो इफ सेशन नॉट इक्वल टू नल या सेशन नॉट इक्वल टू अगर नल है तो मतलब सेशन में डेटा है ऑलरेडी, सेशन में डेटा है तो सेशन में अगर डेटा है तो इसका मतलब कोई बंदा सेशन ट्रैकिंग तो कर रहा है, तो फिर उस केस में ये कहानी हो जाए। यही तो पूछ रहे हो, यही तो मैंने बताया था। आया? और ये चीज आज से नहीं, कई दिन से मैं बोल चुका हूं ये काम करने के लिए, ये मैंने किया। अब इसको कॉपी करके अब मैं दूसरे ब्राउजर में जाऊंगा, तो दूसरे ब्राउजर के लिए ब्राउजर पे जाओगे या इसको दूसरे पेज पे जाओगे? लॉगिन कर लिया है तो दूसरे, अब एक चीज हो सकता है कि हम डायरेक्टली ऐसे ओपन करें, दोबारा ओपन करें, तो देखो यहां पे क्या आ गया, पहले क्या था वेलकम में डेटा, अब यहां पे क्या आ गया वेलकम नल। मैंने उसी पेज को कॉपी किया था दोबारा, देखो वही पेज को मैंने कॉपी किया था वेलकम करके, पेज डायरेक्टिव से वेलकम में यहां पे आ गया नल आ गया, तो डेटा नहीं आ पाया। तो अगर डेटा नहीं है, नहीं कि नल है, तो फिर इसको एक काम करो, यहां पे इस पेज पे दिखाओ ही नहीं तो तुरंत उसको भेज दो, कहां पे रिडायरेक्ट कर दो, कहां पे पिछले पेज पे रिडायरेक्ट करवा दो। ठीक है, ये किसका मैसेज आया है भाई, किसी का मैसेज आ गया।